गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ जो अपनी आत्मा से जुड़ जाएगा, जो गुरु से जुड़ जाएगा, उसके अंदर के सारे प्रश्न, सारे दुख, सारी दुविधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे भी दुख दुविधाएं सब समाप्त हों, तो हमें अपने गुरु की शरण में जाकर जैसा बताया जाता है, जो विधि बताई जाती है, साधना बताई जाती है, उसका पूरी श्रद्धा से पालन करना चाहिए। एक बात हम ध्यान रखें कि जो मस्तिष्क की आदत होती है वो होती है चीज़ों को काटते चले जाना, और जो श्रद्धा होती है वो चीज़ों को जोड़ती चली जाती है। तो अगर हम अपने अंदर प्रेम को और श्रद्धा को जागृत करते हैं, तो ये जो श्रद्धा है ये हमें धीरे धीरे करते हुए उस विश्व शक्ति से जोड़ देती है, जो ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल शक्ति है, जो सब कुछ चला रही है। बस उसी शक्ति से जोड़ने का काम ही गुरु का होता है। लेकिन जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करते, अपने आप को गुरु के चरणों में नहीं चढ़ाते, तब तक जिंदगी में कुछ भी नहीं होता है। तो अपने मन में एक तो बात हम पक्की कर लें कि हम अपने गुरु के पूरी तरह से होकर रहें, उनके प्रति हमारे मन में समर्पण, हमारे मन में श्रद्धा का भाव रहे। ये जो विश्वास है हमारा, ये जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, यही हमें जिंदगी में फल देते हैं। तो अपने विश्वास को दृढ़ रखना, अपनी श्रद्धा को दृढ़ रखना, और हाथ जोड़कर अपने सदगुरु से हमेशा यही मांगा कीजिए कि हे सदगुरु, मैं हमेशा हमेशा आपसे ही जुड़ा रहूं, आपकी शक्ति से जुड़ा रहूं, जिससे मेरे और मेरे परिवार पर हमेशा आपकी कृपा बनी रहे।